हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैट वर्कशॉप चैनल। इस रेविट के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप रेविट में अगर आपको रूफ बनानी है तो आप किस तरह से बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैट वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो यहाँ पे मेरा रैबिट ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर पे गया, बेस कॉन्स्टेंट लेवल 1, टॉप कॉन्स्टेंट लेवल 2, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लेके और इस तरह से यहाँ पे कुछ रूम टाइप का बना दिया। इसके ऊपर मैं रूफ बनाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं एलिवेशन पे, साउथ एलिवेशन पे। तो यहाँ पे आपका लेवल 1 है एंड लेवल 2 है। अब जब भी मुझे रूफ लगानी होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी फ्लोर लगती है मतलब जिस लेवल की लगानी है उसी लेवल पे लगाते हैं। बट रूफ की कंडीशन क्या होती है कि जिस लेवल यानी कि इस फ्लोर के लिए आपको लगाना है तो इसके ऊपर वाले लेवल पे जाके यहाँ पे आपको रूफ क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी कि लेवल 1 के लिए मुझे यहाँ पे लेवल 2 फ्लोर प्लान ओपन करना पड़ेगा, फिर हम रूफ बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर प्लान पे गए और लेवल 2 पे डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखो वही मेरा इस तरह से बन के आ गया। अगर यहाँ पे आपका लेआउट बन के नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अंडरले का ऑप्शन आता है जिसमें रेंज बेस लेवल यहाँ पे नन लगा होगा, तो इसको आपको लगाना है लेवल 1 और रेंज टॉप लेवल लेवल 2 आपका इसी तरह रहेगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि आपको लेवल 2 से नीचे कहाँ तक देखना है, मुझे लेवल 1 तक देखना है, तो मेरा लेवल 1 यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर रूफ क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे फ्लोर क्रिएट करते थे वैसे इसमें भी करना है। तो रूफ पे जाएंगे, रूफ बाय फुटप्रिंट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका देखो थिकनेस का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पे एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट पे गए और यहाँ पे मुझे चाहिए मान लीजिए 4 इंचेस की, और यहाँ पे ओके किया, ये तो नाम चेंज हो गया। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाके एडिट करेंगे और 1 फिट की जगह हम दे देंगे 4 इंच की रूफ, और यहाँ पे ओके एंड अगेन ओके। तो 4 इंच देखो यहाँ पे आपकी रूफ आ गई। फिर यहाँ पे मैंने लिया रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ तक रूफ बनानी है। अब देखो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक, साइड साइड में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शन आ रहा है। देखो ये आपका स्लोप का ऑप्शन आ रहा है, ट्राइंगल बन के आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपने रूफ बनाई है ये क्या है, आपकी स्लोप रूफ है। इसका क्या मतलब हुआ, स्केच बन गया, मैंने फिनिश किया। तो जैसे फिनिश कर दोगे यहाँ पे 3D लगाओगे तो देखोगे यहाँ पे, इसको लगा लीजिए रियलिस्टिक, तो ये देखो यहाँ पे आपकी स्लोप टाइप की रूफ आ गई है। अब इसको यहाँ पे एरो से ऊपर एंड नीचे इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने रूफ बनाई है इसमें स्लोप जो है वो हटाना है। तो कैसे करोगे, देखो इसी को सेलेक्ट करिए फिर से, आप चाहे 2D में हो या 3D में उससे मतलब नहीं, सेलेक्ट करिए, एडिट फुटप्रिंट पे जाएंगे, पूरे पूरे स्केच को आपको फिर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है डिफाइन स्लोप पे, देखो क्या टिक लगा होगा, इस पर हम क्या कर देंगे अनटिक, और यहाँ कर देंगे हम फिनिश। जैसे फिनिश करोगे तो देखो यहाँ पे आपकी इस तरह से रूफ क्रिएट हो जाएगी, यानी कि फ्लैट रूफ आपकी आ गई। अब जैसे आप देखते हो गए कि छज्जा बाहर निकला रहता है, तो उस तरह से हम कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन जाते हैं लेवल 2 पे, इस रूफ को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, हर चीज स्केच का ही खेल है। अगर आपका स्केच यहाँ पे क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो यहाँ पे आपको आराम से सब कुछ बन जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एक छज्जा यहाँ पे निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस लाइन को मैंने डिलीट किया और इस लाइन को मैंने डिलीट किया, फिर अगेन यहाँ से लाइन कमांड मैंने लिया और यहाँ से मैं आगे, अब देखो यहाँ पे स्लोप आ रहा है, मुझे चाहिए कि मैं बनाऊँ तभी स्लोप ना आए, तो एस्केप करिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा डिफाइन स्लोप, इससे पहले ही अनटिक कर दीजिए, तो अब यहाँ पे स्लोप आएगा ही नहीं। तो यहाँ से मैंने कहा 7 फिट आगे, फिर 2 फिट 6 इंच आगे, और फिर यहाँ से स्केप किया मैंने कॉन्ट्रेटर से बाहर, फिर 7 2 फिट 6 इंच आगे और इसके बराबर रखे, और यहाँ पे इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे एक पूरा पूरा क्लोज लूप आपका तैयार हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही फिनिश करोगे 3D देखोगे तो यहाँ पे आपके देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे रूफ आपकी क्रिएट होके आ जाएगी। अब आपने काफी जगह देखा होगा कि रूफ में डिजाइन बनी रहती है कि यहाँ पे होल रहते हैं, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे उसको देखते हैं। चलिए लेवल 2 पे गए, अगेन इस रूफ को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट पे गए। अब कोई भी क्लोज लूप के अंदर आप एक क्लोज लूप बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका एक होल इस तरह से क्रिएट होगा। अब यहाँ पे स्केच है, कॉपी लिया मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है, बेस पॉइंट दिया और इसको 2-2 फिट पे मैं इस तरह से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आप मॉडिफाई कमांड का यूज करके इस तरह से इसको कॉपी क्रिएट कर सकते हो उसकी, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी इनपुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है इस तरह से।
और यहाँ पे मैंने सेल्फी क्रिएट कर दिया। तो ये आपका पूरा पूरा देखो यहाँ पे ये आपका सॉलिड रहेगा और जहाँ पे आपका क्लोज है फिर वो हॉलो हो जाएगा। तो फिनिश 3D, तो ये देखो यहाँ पे आपका इस तरह से हॉलो क्रिएट हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लाइंस टाइप की इस तरह से बाहर निकालनी है। तो कैसे करोगे देखो, उसको भी लेवल 2 पे गए, इस रूफ को मैंने अगेन सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट पे गए और ये वाली लाइन को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। डिलीट में क्यों कर रहा हूँ इसका भी समझ में आएगा। लाइन लिया, अब यहाँ से 1 फिट आगे और अंदर, 1 फिट, 1 फिट, फिर यहाँ से 1 फिट आगे, 1 फिट और 1 फिट इधर। तो इस तरह से एक एक करके आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इस तरह से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से, और ये मैं यहाँ से लाके इसको मैंने मैच करा दिया। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे मेरा स्केच कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका क्लोज्ड है और ये क्या हो गया एक तरीके से ओपन हो गया, और ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने फिनिश किया, 3D लगाया, तो देखोगे यहाँ पे आपकी कुछ इस तरह से डिजाइन यहाँ पे क्रिएट होके आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे आप रूफ की एडिटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको OTS क्रिएट करना है, तो सबसे सिंपल यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इसको, एडिट फुटप्रिंट, रेक्टेंगल लिया, जहां से OTS बनाना वहां पे मैंने से अंदर रेक्टेंगल फिर से बना दिया, फिनिश, और यहाँ पे देखो आपकी रूफ इस तरह से कट हो जाएगी। तो ये तो था आपका फ्लैट रूफ की एडिटिंग। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा स्लोप रूफ का। तो अगेन हम आते हैं लेवल 1 पे, वॉल लिया मैंने, रेक्टेंगल लिया अगेन, और इसके बराबर भी मैंने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट किया, और इसी के बराबर मैंने एक और रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट किया, ठीक। अगेन आते हैं यहाँ पे लेवल 2 पे, क्योंकि हमेशा लेवल 2 पे ही रूफ बनाई जाती है। तो हम आते हैं यहाँ पे रूफ, रूफ बाय फुटप्रिंट, यहाँ पे कर देते हैं स्लोप को ऑन, ठीक। रेक्टेंगल लिया मैंने और हल्का सा मैं इधर से बढ़ा के कुछ इस तरह से मैंने एक रूफ बना दी। अब इन दोनों लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रूफ मैंने हटा दिया, यानी कि स्लोप आपने हटा दिया, ठीक। इस तरफ स्लोप है, इधर स्लोप नहीं है। फिनिश, 3D लगाओगे तो देखो कुछ इस तरह से हट टाइप का आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो वॉल है इससे कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे कनेक्ट करोगे, देखो अपने कर्सर को वॉल पे ले जाइए, एक वॉल देखो ब्लू कलर से हाईलाइट होनी, अब टैप प्रेस करिए, जैसे आप टैप प्रेस करोगे यहाँ पे देखो पूरी पूरी वॉल जो उससे कनेक्टेड हो सिलेक्ट होने लगेगी। क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ देखो ऊपर ऑप्शन आएगा अटैच टॉप बेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, किससे अटैच करना है, इससे अटैच करना। जैसे आप अटैच कर दोगे देखो यहाँ पे आपका ये वॉल अटैच हो जाएगा, फिर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे आप इस तरह भी आप यहाँ पे रूफ क्रिएट कर सकते हो। फिर इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूफ बाय एक्सट्रूजन, यानी कि जैसे खिड़कियों के सामने आपका छज्जा निकलता है तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, रूफ बाय सॉफिट, रूफ बाय फेसिए एंड रूफ बाय गटर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।